सर हैं जी, हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, उस साल ये पहले वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं पास पीटा के भी जो चल रहे हैं, तो मैं मोहम्मद भाई को बोलूँगा पहले उधर अपना ब्रीफ दे रहे हैं उसके बाद। अस्सलाम वालेकुम, मेरी तरफ से सब कुलीग को खुश आमदी और तारिक भाई को और हमारे एस पी पी साहब हैं इनको मुबारकबाद, नासिर अमीर साहब को मुबारकबाद हम सब की तरफ से। आप नासिर दे के लाहौर चैम्बर की जो टोटल नुमाइंदगी है उनके सारे काम अच्छे तरीके से करोगे, बल्कि हमें खुद भी ये महसूस हो रहा है कि फार्मास्यूटिकल के जो काम है वो भी बेहतर तरीके से होंगे। मैंने अपनी तकरीर में भी कहा था कि कई चीज़ें कोविड की वजह से इतनी जल्दी इन लाइन आ गई हैं, तो वी आर नाउ बैक एट अवर ओरिजिनल ग्रोथ लेवल का हमें होना चाहिए था। तो ये मकसद है कि मैं आप मतलब आपको जय, क्योंकि हर इंडस्ट्री की वहाँ बहुत सारी 7-8 इंडस्ट्रीज के लोग आए हुए थे हमारी जो मतलब इंडस्ट्री, और वो सारे आप इसको फॉलो कर रहे हैं और इसका काफ़ी स्ट्रांग फॉलो अप भी है। तो ऑन बिहाफ ऑफ PPMN आई रियली कंग्रेचुलेट बोथ नासिर अमीर साहब एंड तारिक साहब ऑन दिस मार्वेलस। आप भी उसको मीटिंग में बैठे के साथ आए हैं, आपको भी बीच में डालने को मिले। हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं जी, न्यूली डेक्रेट अभी ताहिर मंजूर चौधरी साहब, ये थी मेरी परसों दोबारा मीटिंग है मंडे को, मुझे सीएम साहब ने भी अकेले बुलाया हुआ है 5 बजे। उस पर मैंने उनको यही बोला कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, हमें बिजनेस मैन हैं, पॉलिसी मेकिंग की जो आपके बोर्ड हैं उसमें हमारा पार्टी कोई नहीं, तो जो मुशर्रफ साहब के दौर में होता था। मैंने बोला कि बोर्ड्स के अंदर जो पॉलिसी मेकिंग है, हर सेक्टर के बंदे को, बिजनेसमैन को वहाँ बिठाया गया, खासतौर टैक्स और FBR के जो आपको नोटिस दे रहा है उसी को आप अपील कर रहे हैं, तो आपका अपील दे रहा है। ये जो मसाइल हैं, पहले हमारा प्रेजिडेंट चैम्बर का सेंट बीट में बैठता था साहब, मेम्बर देखो एक्टिव लेके हैं जो काम करना चाहें। नंबर टू, जब हम उसकी पहली मीटिंग रखते हैं उसमें फॉर्मर चेयरमैन जो साथी जिनको ज़्यादा डिटेल्स पता है उनको बुलाएं, और हम प्रेजिडेंट साहब से उनकी टीम से एक वन ऑन वन मीटिंग रखे, एक अपना वन पेज चार्टर ऑफ डिमांड्स के लें जो उनके पास हर वक्त मौजूद हो। ये किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में जाएं, कोई इनके पास कॉमर्स मिनिस्टर आते हैं, हेल्थ मिनिस्टर आते हैं, या CM के पास जा रहे हैं, या PM से मीटिंग का मौका मिल रहा है, तो वो फार्मास्यूटिकल का इनके पास एक वन पेज चार्टर ऑफ डिमांड के लें वो ज़रूर मौजूद हो, ताकि वो हर मीटिंग में ये हैंड ओवर करने वाले बने और वो हमारी तरफ से इनको हमने हैंड ओवर करें, ताकि वो प्रिसाइज हो, कंसाइज हो, टू द पॉइंट हो, और उसका रैशनल दिया गया हो, ताकि वो हर उनके पास मौजूद होगा, तो वो एट एनी पॉइंट इन टाइम एट मीटिंग एनी वन जो यहाँ आ रहे हैं, नहीं आ रहे, चाहे किसी और टॉपिक पर डिस्कशन हो रही है, तो हम अपनी पहली मीटिंग में इनको दावत दें यहाँ पर हम अपनी करें फार्मा कमेटी की, और उसमें जी हम ये चार्टर ऑफ डिमांड अपना एक रखेंगे कि ये फार्मास्यूटिकल के मसले हैं, वन पेजर टू पेजर आप कह रहे हैं, और वो हर वक्त इनके पास मौजूद रहे कि एवरीवन जिस फोरम पे भी जाएं या कोई यहाँ पर आए, हम मौजूद तो होते हैं लेकिन वहाँ पे हर इंडस्ट्री के लोग मौजूद होते हैं, जहाँ 20-30 इंडस्ट्रीज के लोग मौजूद होंगे तो बात डाइल्यूट हो जाती है, वो एक पेज हम सबसे ऊपर रख के हम उनको हैंड ओवर कर सकें कि ये हमारे फार्मा के मसले हैं। और इसमें मोहम्मद भाई ने कहा, अहमद भाई ने जिक्र किया, मंसूर भाई भी कह रहे हैं कि पिछले 2-3 साल में हमने हाईएस्ट फोरम पे काफ़ी ज़्यादा एफर्ट की हुई है फार्मास्यूटिकल से, तो उसको हम कंटिन्यू करने के लिए तरीका यही है कि हम उसको पुश करते रहें, लेकिन डिटेल में एक्स्ट्रा बात न करें, प्रिसाइज टू द पॉइंट रिटर्न बात करें कि ये हमारा है, ताकि पेपर हाथ में होगा तो उनको भी याद रहेगा कल को जाकर, नहीं तो ऑब्वियसली आपको पता है जुबानी की बातें बहुत ज़्यादा होती रहती हैं। तो ये फिर था कि इंशाल्लाह हम जब पहली मीटिंग करेंगे अपनी फार्मा कमेटी की यहाँ पर, उसमें हम फिर एक और फर्दर मीटिंग कर लें प्रेजिडेंट साहब से उनकी टीम से, और उनको हम अपना एक कंसाइज चार्टर ऑफ डिमांड कह लें, या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बेहतरी के लिए चीज़ें की जा सकती हैं वो हम इन राइटिंग हैंड ओवर कर दें, ताकि वो हर मीटिंग में इनके पास आगे मौजूद हो। Thank you.